डॉक्टर रुचि विद्यार्थी। आज हम क्लास में जो है वो स्केचिंग और ड्राइंग के क्लास को लेंगे, उसी के बारे में हम सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि स्केचिंग और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, स्केचिंग किसे कहते हैं, ड्राइंग किसे कहते हैं, उसके मीडियम्स क्या है, डिफरेंट दोनों के अलग अलग डिफरेंट मीडियम है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्केचिंग क्या है, व्हाट इज स्केचिंग। स्केचिंग जब हम सबसे पहले जो है ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले स्केचिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग करने से बेनिफिट ये है कि उससे हमारा लाइन का थ्रो आता है, फ्लो आता है हमारा, और एक कॉन्फिडेंस आता है लाइन में कि हम किस तरीके से स्केचिंग में लाइन को यूज़ करें और हम उसमें हमारी लाइन्स में कॉन्फिडेंस दिखें। ड्राइंग, अब मैं बताती हूँ कि ड्राइंग और स्केचिंग में क्या डिफरेंस है। ड्राइंग हम रेंडमली करते हैं, कोई भी आपकी फिगर्स मूव कर रही हैं, जैसे मार्केट सीन है, मंदिर का सीन है, या आपका कोई भी मूवमेंट करती हुई फिगर्स जहाँ पर है, उसको जब हम स्केच करते हैं तो वो हमारी होती है स्केचिंग। उसमें हमें डिटेलिंग नहीं हम दिखाते, हम सिर्फ ड्राइंग, सिर्फ हम स्केचिंग करते हैं। ड्राइंग में जो है हम स्केच के साथ साथ उसकी डिटेलिंग करते हैं, लाइट एंड शेड को दिखाते हैं और कहाँ पे डेप्थ आ रही है उसको हम ड्राइंग में क्रिएट करते हैं। ड्राइंग में जो है वो हम मीडियम्स हमारे अलग अलग हो जाते हैं, कलर्स अलग जाते हैं, पेपर भी हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। स्केचिंग में जो है वो हम न्यूज़ प्रिंट पेपर है, न्यूज़ पेपर है, क्योंकि हमें रेंडमली स्केच करना होता है, उसकी डिटेलिंग नहीं करनी होती है, तो हम इसलिए पेपर को न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ प्रिंट पेपर है, इसको यूज़ करते हैं। ड्राइंग में जो है हमें डिटेलिंग करनी होती है, उसमें डेप्थ दिखानी है, लाइट दिखानी है, हाईलाइट को शो करना है, तो इसलिए हमें उसमें फाइन पेपर को यूज़ करना होता है, जैसे कि आपका कांटे शीट है, आइवरी शीट है, हैंडमेड पेपर है, कैनवास है, आपका लेदर शीट है, इस पे जो है हम ड्राइंग को दिखाते हैं और अपने उसके डिटेलिंग्स को हम जो प्रेजेंट करते हैं, उसके लाइट एंड डार्क शेड्स को हम दिखाते हैं। इसी तरीके से हम स्केचिंग में जो है वो पेंसिल के थ्रू करते हैं, पेंसिल की ग्रेफाइट पेंसिल है, चारकोल है, इससे जो है, या कलर कलर्स हैं, वाटर कलर्स हैं, इसके थ्रू जो है वो रेंडमली स्केच करते हैं। इसी तरीके से हम आगे जो है वो हम इसका प्रैक्टिस, जब हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लाइन के थ्रू जो है उसका कैसा फ्लो है, जो फिगर है उसको हम लाइन को हम पकड़ना शुरू करते हैं, लाइन के थ्रू हम इजी वे में उसको बनाते हैं, फिर धीरे धीरे जो है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे जाते हैं कि फिगर की ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, उसका किस तरीके से वो फिगर्स जो है वो आपकी फ्लो में जा रही है। उसके बाद हम जो है वो धीरे धीरे उसके करेक्टर को पकड़ते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के बाद जो है उसकी डिटेलिंग में आते हैं, उसके करेक्टर को पकड़ते हैं कि फिगर का किस मूवमेंट में खड़ी है फिगर या बैठी है, इस तरीके से जो है हम उसकी डिटेलिंग को करते हैं।